भारी ठंड और बर्फबारी के बावजूद मुख्यमंत्री के नाम पर हिमाचल प्रदेश में गर्मी है। यहां 5 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उसके उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव हार चुके हैं। प्रेम कुमार धूमल के अरमान वाकई आंसुओं में बह गए। बीजेपी की प्रचंड जीत में भी धूमल जीत नहीं पाए। बीजेपी ने धूमल को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, हिमाचल प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हिमाचल में न सिर्फ धूमल हारे बल्कि उनके बाद बीजेपी के ताकतवर नेता और प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी हार गए। दो बड़े नेताओं के एक साथ हारने के बाद मुख्यमंत्री पद पर अब किसे बैठाया जाए, इस पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। विधायकों से बात करने के लिए रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर पर्यवेक्षक बनकर शिमला पहुंच रहे हैं। इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री पद की रेस के लिए कुछ नामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। जयराम के सिर सजेगा ताज। सीएम की रेस में सबसे पहला नाम है हिमाचल के बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का। जयराम मंडी के सरेजा से लगातार 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। जयराम ठाकुर 2007 से 2009 तक हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जयराम हिमाचल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहला सवाल, क्या आप दौड़ में हैं? और हाँ तो क्या कोई भी जिम्मेदारी जो पार्टी देगी आप लेने के लिए तैयार हैं? ना, दौड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और मेरा सीधा से इसमें है कि पार्टी का नेतृत्व पार्टी इस सारी बात को लेकर तय करता है और वो जब तय होगा वो आपको पता लग जाए। मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी जयराम ठाकुर को सीएम के लिए योग्य उम्मीदवार बताया है। एक योग्य व्यक्ति हैं, अगर उनको हाईकमान अगर ये दायित्व देता है तो ये पूरे प्रदेश के लिए मंडी पार्लियामेंट के लिए अच्छा क्षण होगा, लेकिन निर्णय पार्टी हाईकमान ने करना है। नड्डा को मिलेगी हिमाचल की कमान। जयराम ठाकुर के बाद सबसे ज्यादा नाम जो सुर्खियों में है वो है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा 2011 से केंद्रीय राजनीति में है। नड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं और बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सचिव भी। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ऐसी सूरत में अगर हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाता है तो उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या किसी तीसरे को मिलेगा हिमाचल का ताज? प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से हो रही है। अनुराग ठाकुर को सीएम बनाए जाने पर न केवल उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा बल्कि बीजेपी को भी लोकसभा के उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में 2019 लोकसभा चुनाव से 1.5 साल पहले चुनाव के फार्मूले को बीजेपी शायद ही आजमाए। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय और विकास भदौरिया के साथ शिमला से जावेद मंसूरी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।